वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड यहाँ पे जो आप लोग टैंक देख रहे हो, इसके डायमीटर्स कुछ ऐसे हैं एंड इससे ही आज हमें एक्वास्केप करना है। एंड यहाँ पे ये मत सोचना कि ये टैंक मेरा है, मैं अपने फ्रेंड के लिए इसे डेकोरेट कर रहा हूँ, तो मुझे एज सिंपल एज रखना है बिकॉज उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है प्लांटेड टैंक के बारे में। तो इससे बहुत ही लो टेक प्लस यहाँ पे ईजी टू मेनटेन टैंक इसे बनाना है। एंड यहाँ पे जो सब्सट्रेट दिख रहा है उसमें है तीन चीज़ें, एलुविलियल सॉइल, केमिकल मीडिया और सैंड। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे बॉटम लेयर के लिए। एंड इसके बाद जा रहा है सेकंड लेयर पे, यहाँ पे कुछ ग्रेवल्स, इसे हम पावर सैंड भी बोल सकते हैं बिकॉज ये हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को स्टोर करने में मदद करेगा। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ कंस्ट्रक्शन सैंड था तो उसे भी मैंने डाल दिया इसके अंदर ताकि ये सारी चीजों को चाप के नीचे में रखेगा। इसके बाद मैंने सोचा कि एक ड्रिफ्टवुड को प्लेस करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला सैंड जो कि यहाँ पे सबसे टॉप लेयर होने वाला है। एंड ये वाला सैंड ऑफ व्हाइट, मैं इसे क्यों बोलता हूँ मुझे नहीं पता, बट ये शायद मेरे को ऑफ व्हाइट लगता है। ये थोड़ा सा येलोविश सैंड है लेकिन इतना भी येलो नहीं है कि कंस्ट्रक्शन सैंड जितना येलो ये दिखेगा। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे सारी चीजें सेटल करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ये देखने के लिए कि ये सारी चीजें अपने जगह पे सेटल है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल प्लान मेरा ये था कि ये ड्रिफ्टवुड को मैं चाप के रखूंगा ये सारे स्टोन्स के सहारे, एंड वो एक एज अ डिजाइन भी लगेगा। सो ये चीज यहाँ पे मैं कर रहा था। उसके बाद मैंने जब इसमें पानी भरा तो मेरे को यहाँ पे एक चीज देखने को मिला कि ये चीज एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसे डच स्टाइल ही एक्वास्केप करते हैं। सो यहाँ से मैंने ड्रिफ्टवुड को निकाल लिया एंड ये करने के बाद इसे सेटल होने के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए गली स्ट्रीट। आइए, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यस यस, अभी स्टार्ट तो कर ले भाई, एकदम स्टार्ट ही है। तुमको ये वाला पसंद है तो ले सकते हो एकदम। ये साइज इज टू शॉर्ट, साइज शॉर्ट रहे तभी फायदा है, दाम पूछ लो। क्या प्राइस है भैया? कितना बोले? 80 रुपया दर्जन। इसे बोलते गोरा में, ये वाला रेड वाला, दिस वन। हाँ वही वही, 45 रुपीज पर पीस भाई, बहुत बड़े हो। ये सारे गाज जाने वाले हैं आने वाले एक्वेरियम में। 40 रुपया बंडल। इसका काम तो खत्म हो गया यहाँ पे प्लांट्स का, अब नेक्स्ट लेना है फिशेस। कौन सा ले? बॉडी स्ट्रक्चर देख ले। हाँ ठीक है, शूट करना वहाँ नहीं करेगा। सो ये मिक्स ब्रीड में कैसा मिलेगा? यही तो ही वाला मोनो एंजल है, सारा पीला निकालना। दो इसका दाम 100 रुपया, 100 रुपया एक पीस का। नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट कंटेनर में ही जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट काम खत्म होने वाला है, यानी कि हम लोगों ने बहुत सारी गप्पीस ले ली है, अभी फिलहाल फूड लेना है। सो ये दो खाने हम लोग ले रहे हैं। हाँ लग तो रहा है। एक्लिमेशन के लिए मैं सारे जो भी फिशेस है उसे इसमें मैं फिलहाल रख देता हूँ एंड कुछ देर बाद इन्हें आके फिलहाल के लिए रिलीज कर देंगे बिकॉज जब तक वो वाला टैंक कंप्लीट नहीं होता है इन्हें ले जाने का कोई मतलब बनता नहीं है वहाँ पे। सो ये यहीं टब में रहेंगी कुछ दिनों तक कह सकते हैं। वैसे ये गई, वुप्स, अब जा रही है हमारी पीली काली गप्पीस, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में है। जाओ जाओ, निकलो निकलो। अब जा रही है हमारी सारी फीमेल्स और इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास यहाँ पे। ये भी चाहे अंदर, पता नहीं कौन सी मिक्स ब्रीड बनने वाला है इनका, लेकिन जो भी हो ये हमारे पास फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, सो उस दिन ये कुछ ऐसा दिख रहा था एंड फिर हम लोगों ने सेटल होने के लिए टाइम दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। काफ़ी हद तक वाटर क्लियर था एंड मैंने प्लांटेशन कर दिए थे। जो भी प्लांट्स थे वो आप लोगों ने देख ही लिया था कि कौन से प्लांट्स मैंने इसमें डाले हैं। बाय द वे, इसको करने के बावजूद भी एक बार वाटर चेंजेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था तो मैंने वहाँ पे एक बार और वाटर चेंजेस कर दिए। एंड नाउ मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कौन से प्लांट्स यहाँ पे हैं। मोंटी कार्लो यहाँ पे जो दिख रहा है वो मोंटी कार्लो है, मैं इसे पहली बार ग्रो करा रहा हूँ। सो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं इस टैंक में डाला। आगे में सेगिटेरिया जो कि मैं ऑलरेडी ग्रो करा चुका हूँ एंड मेरे को पता ही आराम से उग जाएंगे। पीछे में कुछ अमेज़न स्वॉर्ड और हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस। ऊपर में यहाँ पे पॉलीस्पर्मा भी मैंने अपने टैंक से कुछ डाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे अगर बढ़ जाएंगे तो। कुछ इग्रीडेंसा भी है एंड चलो पानी को हम लोग फिल कर लेते हैं टू द टॉप एंड फिर देखते हैं ये एक्वेरियम कैसा दिखता है। ओके, सो फाइनली ये टैंक सेटअप हो चुका है एंड इसमें थोड़ा सा वाटर कंडीशनर और बेनिफिशियल बैक्टीरिया डालने के बाद ये ऑलमोस्ट टैंक रेडी है।
इसमें फिशेस डालने के लिए। यहाँ पे मेरे को टेप मारना था तो मैंने वो भी मार दिया। एंड एक्लिमेशन प्रोसेस के लिए मैं सारे फिशेस लेके आ चुका हूँ एंड इनको मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ पे, कुछ मिनट्स के लिए इसमें रहेंगी, अराउंड 10 से 15 मिनट। एंड नाउ अब टाइम आ चुका है इन सारे फिशेस को इनके परमानेंट होम में ट्रांसफर करने का। सो सबसे पहले यहाँ पे जा रही है सारी गप्पीज, 10 फीमेल्स है और 6 मेल्स है अलग अलग ब्रीड्स की, एंड पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन बनेगा अगर ब्रीडिंग होता है तो। और ये रहा इस टैंक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हमारा मस्त सा बीटा फिश। इसका नाम अभी तक किसी ने नहीं रखा है, कमेंट डाउन बिलो इसका क्या नाम रखे। ये हरे भरे टैंक में इसका कलर बहुत ही ज्यादा खिल के आ रहा है एंड ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक अभी फिलहाल लग रहा है, इसलिए ये मेरे को बहुत ही ज्यादा अभी फिलहाल बढ़िया लग रहा है। ऑलराइट, सो हम लोग मिलते हैं एक हफ्ते बाद और देखते हैं इसकी कंडीशन कैसी रहती है, एक हफ्ते में इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अभी तो फिलहाल सारी चीजें सेटल लग रही हैं। ऑलराइट, सो ये एक हफ्ते बाद का सीन है एंड यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चेंजेस इसमें है। हालांकि ज्यादा कुछ मेरे को यहाँ पे डिफरेंस दिख नहीं रहा, बट स्टिल यहाँ पे कुछ तो ग्रोथ हुआ है एंड कंफर्टेबल हो चुकी हैं सारी फिशेस। यहाँ पे कुछ अलग अलग सीन चल रहा है, सो यहाँ पे देख लो कितना मस्त अभी लग रहा है फिलहाल। ऑलराइट, सो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, कमेंट डाउन बिलो इस बेटा फिश का नाम एंड कैसा लगा ये वाला टैंक बता देना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।